सब्सक्राइब करें आदित्य मोटोराइड चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को जिससे आपको हमारे वीडियोस की न्यू अपडेट मिलती रहे। गाइस दिस इज आदित्य प्रताप और स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल आदित्य मोटोराइड। तो आज हम आपके लाए हैं TVS की अपाची RTR 164V। तो दोस्तों इसके बारे में बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी से उसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस के न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। तो अभी आप इसका एक क्विक रिव्यू ले लें फिर बताते हैं हम इसके बारे में। पुरानी अपाची RTR कंपैरिजन बहुत ही अट्रैक्टिव दिया गया है क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा जो दूसरी कंपनीज के जो मॉडल रहते हैं वो उसमें थोड़ा चेंजेस करके मार्केट में लॉन्च कर देते हैं न्यू मॉडल कहकर, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है। ये गाड़ी को बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही स्पोर्टी दिया गया है क्योंकि अगर आप इसको एक राइड करते हैं इसका राइडिंग पॉस्चर बहुत ही कंफर्टेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके कलर कॉम्बिनेशन, इसके टायर्स, डिस्क ब्रेक्स का लुक और इसका जो 3D लुक है वो बहुत अट्रैक्टिव लगा है मेरे को। तो कर लेते हैं इसके एग्जॉस्ट के बारे में। इसका जो एग्जॉस्ट है उसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिया गया है जो कि आपको पुराने मॉडल में नहीं मिलता था। इसमें आपको डबल बैरल साइलेंसर मिल जाता है जो अपाची 200 में भी आपको देखने को मिलता है। तो आइए आप इसका एक एग्जॉस्ट का साउंड सुन लें। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में। इसमें आपको बेसिक सा कंसोल दिया जाता है, इसके आप न्यूट्रल का साइन दे सकते हैं, अगर आपका फ्यूल लो है तो यहाँ बता सकता है, और आपके इंडिकेटर के साइन भी मिल जाते हैं, और आपको यहाँ फुल डिजिटल मीटर दिया जाएगा। इसे क्या दे सकते हैं, ये बाइक अप्रॉक्स 7800 किलोमीटर तक राइड कर चुकी है और आपको यहाँ टाइमिंग का ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि, और इसकी जो स्विचेस की जो बिल्ड क्वालिटी वही बहुत अच्छी दी गई है। और जैसे कि फिर से देखें इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को, तो एक बार इसको स्टार्ट करते हैं।
इसकी जो सीट है वो मेरे को बहुत ही पसंद आई है, क्योंकि ये बहुत लंबी सीट है और इसमें आप अप्रोच दो लोग को अच्छे से कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। इसकी जो सीट की बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। एंड इसका जो फ्रंट लुक है वो ही बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ देख सकते हैं आपको हेलोजन हेडलाइट मिल जाती है, और उसके जो इंडिकेटर्स के आप डिज़ाइन देख रहे हैं वो भी इस गाड़ी को बहुत स्पोर्टी फील कराता है। बात कर लेते हैं इसके फ्रंट ब्रेक के साइज़ के बारे में। इसमें आपको 270 mm का फ्रंट ब्रेक मिलेगा और जो रियर ब्रेक आपको मिलेगा वो ड्रम ब्रेक मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके टायर्स के बारे में। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर प्लस एलॉय व्हील्स दिए जाएंगे। इसमें आपको 157.7 cc के इसमें आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा और नंबर ऑफ सिलेंडर इसमें आपको 1 मिलेंगे। और इसमें आपको 16.1 bhp एट द रेट 8000 rpm के इसमें आपको पावर मिलेगा और 14.8 न्यूटन मीटर इट मीन्स 6500 rpm के इसमें आपको टॉर्क मिल जाएगा। वॉल्स पर सिलेंडर इसमें आपको 4 दिए जाएंगे और फ्यूल ड्रेन सिस्टम जो आपको मिलेगा वो कार्बोरेटर मिलेगा। जो फ्यूल टाइप है वो आपको पेट्रोल मिलेगा और उसका जो कूलिंग सिस्टम है वो आपको ऑयल कूलिंग मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके गियर के बारे में। इसमें आपको नंबर ऑफ गियर्स 5 मिलेंगे और इसका जो गियर बॉक्स आपको मिलेगा मैनुअल मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके फ्यूल कैपेसिटी के बारे में। इसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलेगी जिसमें से 2.5 लीटर की आपको इसमें रिजर्व कैपेसिटी मिलेगी। और बात कर लेते हैं इसके टॉप स्पीड के बारे में। तो इसमें जो कंपनी बता रही है वो 113 किलोमीटर पर आपकी टॉप स्पीड बताई, लेकिन जो मैंने इस बाइक में टॉप स्पीड एब्जॉर्व करी है वो अप्रॉक्स 115 किलोमीटर आवर की स्पीड में उसको राइड कर चुका हूँ। अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में। कंपनी माइलेज बता रही थी कि इसमें आपको 60 किलोमीटर पर लीटर का इसमें आपको माइलेज मिलेगा, लेकिन जो मैंने इस गाड़ी में एब्जॉर्व किया ओनली 35 टू 40 किलोमीटर तक इसमें आपको एवरेज मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर कुछ मिस्टेक्स होगा कमेंट बॉक्स पर लिख दे सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।